हेलो माय फ्रेंड्स, और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कि एनटीपीसी का जो भी ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ट्विटर पे देख सकते हो, बहुत बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है कि स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट। और आज उसी का स्टॉप प्राइवेटाइजेशन के नाम से भी चल रहा है वहाँ पर, तो उसमें भी हम सभी करवा रहे हैं, यहाँ पर सब चीज़ चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फुल सपोर्ट करना है, और जैसा कि हम चाह रहे थे कि हमारी आवाज़ उठे, सरकार उठाए, तो धीरे धीरे अब शायद उनके पास बात तो पहुँच रही है, क्योंकि वो हमारे कुछ रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। क्योंकि हमारा कल का जो डिमांड था, जो यहाँ पे स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट में जो कल का हमारा डिमांड था, तो सीजीएल रिलेटेड डिमांड था, वो तो कल इवनिंग में दे दिया, लेकिन वो एक लॉलीपॉप है, उससे हमें रुकना नहीं है। एक लंबी प्रोसेस है, हमें पूरे रिफॉर्म की चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे रिफॉर्म आप चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये सुनती नहीं है गवर्नमेंट। बाद में फिर से वही चीज़ सब चीज़ हो जाएगा और हम फिर से देखते रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ देखो, प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये नहीं बात कर रहे हैं कि आप हमें अभी कुछ कर दो या फिर अभी हमें रिजल्ट दो। एक प्रोसेस के रिजल्ट तो आना है ही, जब एग्ज़ाम दिया तो रिजल्ट भी आएगा, सब चीज़ होगा, लेकिन लेट, ये जो लेट है ना, लेट लतीफ़ी, उससे हमें दूर भागना है। लेट जो हो रही है चीज़ें, लेट से हमें दूर भागना है। क्योंकि अब देखो, 2 से 3 साल लग जाते हैं एक वैकेंसी को कम्प्लीट होने में, तो सोचो कहाँ से जॉब मिल पाएगी। एक इंसान का जो देता है 2017 में का जो दे रहा है, तो उसकी ज्वाइनिंग आ रही है 2022 में, क्या मतलब है कि यहाँ सब जॉब लेके भी क्या कर लोगे? आपकी जो पीक टाइम था कमाने की, वो पीक टाइम आपकी ख़त्म हो गई, क्योंकि 21 साल से स्टार्ट होता है जॉब फॉर्म फिल करने का। तो 21 साल जैसे ही डाला, 4-5 साल ऐसे ही लग गए आपको निकलने में, 25-26 से हो जाओगे, आपका पीक ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे आप मैक्सिमम प्रोडक्ट दे सकते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। क्योंकि अगर यही प्रोसेस आपका 1 ईयर में कंप्लीट कर लिया जाए, तो अगर जो नहीं भी होगा, तो यहाँ पर आप एक डिसीजन ले सकते हो कि चलो यहाँ पर मेरे नहीं हो रहा, तो मैं कुछ और सोच सकता हूँ, अपने बिजनेस या फिर कुछ भी, जैसे आप खिलौने बेच सकते हो या फिर आप कुछ और चीज़ें कर सकते हो, या कुत्ते पाल सकते हो, कुछ कर सकते हो 1 साल में, अगर जॉब आपकी नहीं होती है तो, क्योंकि वो भी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर जो आप 3-4 साल ऐसे ही एक वैकेंसी के पीछे लगा दोगे, तो फिर वो खिलौना बेचना और कुत्ते पालने वाले बिजनेस भी वो बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई और कर ले जाएगा, जो आपसे एक ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो कर ले जाएंगे, तो क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बिजनेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने साल बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हमारी डिमांड जो है पूरी प्रोसेस को रिफॉर्म करने की है। क्या डिमांड है? तो एक प्रोसेस को पूरी रिफॉर्म करने की डिमांड है यहाँ पे। हमें ये नहीं चाहिए कि हमें पास एक लॉलीपॉप दिया जाए। लॉलीपॉप भी यहाँ देखो, अभी आरआरबी का, एनटीपीसी का भी हमारा डिमांड था, रेलवे का, उसके लिए तो ये बात ही नहीं करना चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम लेंगे भी या क्या करेंगे पता नहीं इनको। और जीडीपी की हालत अब क्या हो रखी है, वो स्थिति आपको पता ही है कि जीडीपी कितने माइनस में पहुँच चुकी है। क्योंकि अब बोलेंगे कोविड, तो कोविड तो सबके लिए था, लेकिन फिर भी हम क्यों इतना ख़राब किए? हम तो यहाँ इतने पीपीई किट्स और क्या क्या चिप मैन्युफैक्चर करके दूसरे देशों को बेच रहे थे, फार्मा में हम अच्छा कर रहे थे, फार्मा इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे थे, हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे थे हमारे जो फार्मा प्रोडक्ट्स था, लेकिन फिर भी हम जीडीपी में इतने नीचे गिर गए कि दूसरे कंट्री, जो हमारे छोटे कंट्री है, वो भी हमसे अच्छा डेवलप कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, ये झूठ थी या सच थी, अब तो ये आप ही बता सकते हैं। तो हमारा डिमांड यहाँ पे यही है कि जितने भी हो, अभी गवर्नमेंट से अगर डिमांड कर ही रहे हैं, तो क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है, तो हमारी डिमांड यहाँ से बंद नहीं होनी चाहिए। अगर जो आप रुक गए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको ट्यूट करते रहना होगा और आपकी डिमांड उठाते रहनी होगी, जब तक ये रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं हो जाए। ये बात ही करना नहीं चाहते हैं, ये देखो, ये बात ही करना नहीं चाहते हैं। बात करेंगे तब तो कुछ हम बताएंगे कि क्या करना है, नहीं करना। और ये चीज़ देखो, ये जैसे पहले आपको मिथ लगती थी कि जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो एक इंडिपेंडेंस है, लेकिन आप ये 2 से 3 दिन में आप तो देख चुके होगे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको भी गवर्नमेंट अच्छे से कंट्रोल कर रही है। क्योंकि आपके डिसलाइक्स हटाए जा रहे हैं, आपके कमेंट हटाए जा रहे हैं, आपके सब चीज़, मतलब जहाँ भी आप देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे अभिनय सर का वीडियो जो था वो ट्रेंड पे गया ही नहीं, कुछ ऐसा था नहीं उसमें कि कम्युनिटी वायलेशन और कुछ था नहीं ऐसा, फिर भी ट्रेंड भी नहीं गया। मन की बात ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अभिनय सर की जो वीडियो बनाया था स्टूडेंट्स के लिए, वो ट्रेंड में नहीं गया। अगर जो नहीं देखा किसी ने, तो जाके देख भी सकते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है सैटरडे को, वो हमें आरआरबी एनटीपीसी के लिए डेट डिमांड करनी है। और ये डेट नहीं, डेट डिमांड करने के साथ साथ हमें एग्ज़ाम भी चाहिए, ये नहीं कि हम बस डेट दे मिल गया और फिर जैसे डेट आया तो फिर एक्सटेंड हो गया, ऐसा नहीं। हमें प्रॉपर एग्ज़ाम, हमें प्रॉपर टाइम पीरियड चाहिए कि हाँ, मुझे अगर जो 6 महीना मैं और देता हूँ, क्योंकि देखो लगभग सबकी 2 से 3 साल इधर दे चुके हैं, 2 से 3 साल सभी दे चुके हैं। अगर जो आप 1 ईयर और देते हो, तो हमें 6 से 8 महीने मुझे जॉब चाहिए, ये नहीं कि फिर प्रोसेस में आप बोलो कि इतना लग रहा, उतना टाइम लग रहा है, ये प्रोसेस नहीं। मुझे पूरा प्रॉपर, जैसे एनटीपीसी में अगर जो डेट आए या फिर सीजीएल का भी डेट आए, तो पूरा प्रॉपर चाहिए कि अगर जो आप इतने, इस डेट को रिजल्ट आएगा, इसको आपको फाइनल रिजल्ट आएगा, इसमें आपकी ज्वाइनिंग, इसमें आपका मेडिकल होगा, इसमें आपकी ज्वाइनिंग, इस डेट को ज्वाइनिंग हो जाएगी। मुझे पूरा
हम लोग को पूरा एक रिफॉर्म चाहिए, ऐसे नहीं कि हम बस वेट करते रहें। जैसे IBPS भी एग्ज़ाम करवाती है, वो अपने टाइम पे ढंग से सब चीज़ करवा रही है, लेकिन RRB और SSC का तो पता ही नहीं कब क्या एग्ज़ाम होता है। आगे दूसरे एग्ज़ाम भी, स्टेट का तो बात ही करना नहीं है, यहाँ पर स्टेट तो भूल ही जाओ, कि स्टेट का भी ढंग से कुछ काम भी कर लेगी जॉब रिलेटेड। लेकिन फिर भी अब हमें बताना, भी बिहार का इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी आप ट्राई करो कि जितना ज़्यादा ज़्यादा आपका जो बिहार से वोट करते हो तो प्लीज़ अब बताओ उनको कि हम भी अब कुछ समझ रहे हैं और हम भी कुछ खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। तो चीज़ों को अब समझो, यहाँ पे देखो क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि अभी टाइम है। देखो यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, लगभग 3 या 4 दिन हो गए हैं डेली ट्रेंड हो रहा है, तो ये भूलो मत। नहीं ट्विटर चलाना आता है, ट्विटर चलाओ और देखो, सीखो कैसे करना है नहीं करना है, और चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। नहीं करोगे अभी, अगर जो हट गए पीछे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप गर्द में पहुँच जाओगे। क्योंकि देखो, आपके पास पैसे होंगे तभी आप खिलौने भी खरीद पाओगे और कुत्ते भी पाल पाओगे। अगर जो नहीं हुए ना कुछ पैसे, तो फिर कुत्ते वाली स्थिति तो हो जाएगी, क्योंकि स्थिति ख़राब ऐसी हो रही है कि वहाँ पर वो बस यही, मतलब खाना खाओगे उसी को डेवलपमेंट समझोगे, वो कोई मतलब डेवलपमेंट की नहीं होती है। डेवलपमेंट में होता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, जैसे उनकी तो, जैसे सांसद जितने भी PM हैं, उनके देखो कितनी डेवलपमेंट हो रही है। मतलब एक नॉर्मल इंसान से पूरा BEd और क्या क्या इंसान बनते जा रहा है, और हम लोग देखो कहाँ पहुँच रहे हैं। स्थिति नहीं समझ में आ रही कि हमारी जो BEd है या क्या है वो पता नहीं चलता है, कि हम भी मतलब कोई, ये मेरा भी स्टाइल है या क्या है, मतलब समझ में ही नहीं आता है, हमारी ऐसी स्थिति हो गई है। क्या बोला जाए यहाँ पे, तो जो डिमांड है आपकी, डिमांड रुकनी ही चाहिए। डिमांड जब तक वो बात नहीं करते, मेनली हमसे बात करें, जो टीचर से या फिर जिस पे भी हमारे से स्पीक करें, जो स्पीकअप है, तो ये स्पीकअप चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए जब तक कि हमारी डिमांड मान नहीं ले स्पीकअप वाली, कि हमारी जो पूरा फुल रिफॉर्म है, ये रिफॉर्म हमें चाहिए। और जितनी भी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, चाहे स्टेट की हो चाहे कहीं की भी हो, सारी ज्वाइनिंग भी इनको देनी पड़ेगी अभी 1 महीने के अंदर, क्योंकि कहाँ जाएं बंदे, कहीं जॉब लग नहीं रही आपको। अगर 2-3 साल मैंने दिया है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जॉब के लिए 2-3 साल आपने दिया है, तो क्या फ़ायदा है फिर उसको छोड़ के जा रहे हो। अभी आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है लेकिन फिर भी ज्वाइन नहीं करवा रहे हो। चलो ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनको तो कोई बात नहीं, हो जा सकते, जिधर जाना है हमको, खिलौने बेचना है खिलौने बेचे या जो भी करना है करें, लेकिन जिनकी हो चुकी है उनकी भी तो ज्वाइनिंग दे दो, उनकी क्यों रोक रखे हो। या फिर जो एग्ज़ाम के आप डेट निकाल चुके हो, एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम तो लो कम से कम, एग्ज़ाम तो लो, एग्ज़ाम आप JEE या NEET का तो ज़बरदस्ती ले रहे हो, क्योंकि उसमें प्राइवेट कॉलेजेज को भी सीट भरने, तो प्राइवेट कॉलेज के सीट भरेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके उनके बहुत सारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं, तो उनकी सीट भरेगी, तो उनकी फी, उनकी पॉकेट भरेगी, तो इनकी भी पॉकेट भरेगी। हमारी तो एग्ज़ाम ले लो, हम तो देने के लिए तैयार हैं, हम तो रोकेंगे भी नहीं, हम तो आपको बोलने से पहले ही पहुँच जाएंगे, जैसे ही पहुँचना होगा, जैसे नाव लेकर या कुछ भी लेकर हम अपना पहुँच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें बाढ़ की और इनकी। बस आप एग्ज़ाम तो लो एक बार, स्टार्ट तो करवाओ। फिर देखो यहाँ पे, अब चलो मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ट्वीट कैसे, बहुत सारे बंदे के ट्वीट करना नहीं आ रहा है, ट्वीट नहीं ढंग से कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे देखो मेन चीज़ होता है हैशटैग आपको यूज़ करना सही ढंग से। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, तो जैसे ही आप यहाँ पे, आपको गूगल पे जाना होगा, जो गूगल पे का जो ट्विटर बना रखे हो, ट्विटर अकाउंट अगर ट्विटर डाउनलोड किया है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आपको ट्विटर खोलना है। जैसे यहाँ पे आपको ट्विटर, जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे, तो यहाँ पे देखो आपको ट्विटर जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो ये आता है, फिर यहाँ सर्च पे जाना है आपको, ठीक है, सर्च पे जाना है। सर्च पे जाओगे तो जैसे यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा ट्रेंड पे, ट्रेंडिंग, देखो ट्रेंडिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ट्रेंडिंग देखो क्या क्या ट्रेंड कर रहा है, तो देखो यहाँ पे स्टॉप प्राइवेटाइजेशन सेव गवर्नमेंट जॉब, ये हमारे लिए ही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये गलत भी हो गया कि स्टूडेंट्स की जगह D आ गया, तो शायद वो अमित मालवीय जी ये जो है IBJP का IT सेल, वो शायद इसको देख के बोल दें हम सबको लिटरेट, कल थोड़ी सी एक बड़ी इधर उधर हो गई तो शायद हमको उन लोगों ने लिटरेट समझ रखा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जब हैशटैग यूज करते हो, थोड़ा सा ढंग से यूज किया करो, थोड़ा सा बस देख लो, क्योंकि उनको टाइम मत दो, क्योंकि वो ऐसा है कि टाइम मिलते ही ना वो खड़ा हो जाता है, तो उसको थोड़ा टाइम मत दो, बस इसको ओपन करो, जैसे इस पर दबाओगे इसको ओपन करना है। और फिर देखो यहाँ पे कलम आ रही है, जो पहले वाली कलम होती थी ना, जो पुराने ज़माने वाली कलम, वो कलम आ रही है यहाँ पे, बस इस पर क्लिक करना है आपको, इतना तो आता होगा। फिर देखो, फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, टाइप करना है जो भी आप टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप जैसे टाइप करो, जैसे मान लो कि मुझे मोदी जी को टैग करना है, तो मोदी जी को टैग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, @, और फिर यहाँ पे बस ये देखो यहाँ पे नरेंद्र डालोगे तो नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे सेव मैं करता हूँ, यहाँ पे हो नहीं पाया ढंग से, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो यहीं पे बस यहीं पे आप करोगे ना, सीधा करके यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा। चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपको पूरा शो करने का भी। तो जैसे देखो अब यहाँ पे जैसे ये है, तो इसको जैसे नीचे जाके अब किसी को टैग करना है आपको, तो @, जैसे किसी को टैग करना आपको नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी लिख दो यहाँ पर, देखो ये ऊपर आगे टैग हो गई। फिर मान लो पीयूष गोयल को, जो रेलवे के लिए डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए आपको टैग करना है उनको, तो पीयूष लिखो, तो देखो ये आ गया, इसको टैग कर दो। आपके जो डिमांड है आप लिख सकते हो, प्लीज़
डिक्लेयर एग्ज़ाम डेट, और यहाँ से बस ऊपर में बस जाके यहाँ पे ट्वीट कर दो, तो ये आपका ट्वीट चला जाएगा। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, जैसे यहाँ पे ट्वीट चला गया, यहाँ पे तो उनके पास ट्वीट चला गया, बस ट्वीट कर दो वहाँ पे चला जाएगा। तो ये यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप करो यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि आपके ही आपके लिए ये यहाँ पे। अगर आप गूगल पे भी जाके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे भी आप जाके इजीली कर सकते हो वहाँ पे। तो ये रुकना नहीं है अभी, हमको क्या करना, हमें रुकना नहीं है जब तक ये डिमांड नहीं करेंगे। और 5 सितंबर की जो डिमांड है वो डिमांड चलती रहनी चाहिए। 5 सितंबर को हमें डेट चाहिए, RRB NTPC का जो डेट है उसके लिए अभी से तैयारी कर लो। और 5 दिन जिस तरह से इस दिन करवाया था ट्रेंड, उसी तरह से 5 सितंबर के लिए भी ट्रेंड करवाना है। तो ओके, थैंक यू गाइज, मुझे यही बताना था। और ये जोश कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डिमांड है। अगर डिमांड रुकती है, घटती है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बात सुन नहीं रहे हमारी। और जितना हो सकता है डिसलाइक, और जितना हो सकता है इनको बस इनके पास आवाज़ पहुँचाओ, ठीक है? ओके, थैंक यू गाइज।